हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हैं techhoop.com। और आज इस वीडियो में मेरे पास है Honor 20i। Honor 20 सीरीज का सबसे बजट फ्रेंडली डिवाइस है। 15,000 है इसकी प्राइसिंग इंडिया में, और 15,000 में आपको 4+128GB का वेरिएंट है, सिंगल वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये। सो चलिए इस वीडियो में कर लेंगे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, और मैं बता दूंगा क्या खास बात है इस फोन की और क्या आपको लेना चाहिए Honor 20 अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है Honor Huawei का उसके बाद, या फिर आपको वेट करना चाहिए कि सारा का सारा डिस्प्यूट आपको खत्म हो जाए उसके बाद आप इस फोन को लो। सो चलिए शुरू करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग से। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने फोन डिवाइस मिल जाएगा देखने को, बहुत ही कूल कलर है, फैंटम ब्लू कलर देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा सा जूम करके आपको मैं इस फोन के डिजाइन दिखा देता हूँ, बहुत ही कूल डिजाइन है। वैसे तो ये प्लास्टिक बॉडी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, और आपको इन हैंड भी बड़ा प्यारा लगेगा आपको देखने में। और यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा भी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आगे, और बाकी हम देख लेंगे बॉक्स कंटेंट की। सो गाइज, यहाँ पे आपको एक केस कवर भी मिलता है जो कि यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है, सो इसमें केस कवर था। क्विक स्टार्ट गाइड, नॉर्मल ट्रैवल अडेप्टर चार्जर है 10W का, इसके आप रेटिंग्स यहाँ पर देख सकते हो। और आपको डाटा केबल है, बॉक्स में आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। सो बस इतना ही कुछ था बॉक्स की अनबॉक्सिंग के लिए। अब बात करते हैं डिवाइस की, और सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। राइट साइड में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ब्लॉकर्स कीज हैं, पावर बटन है। नीचे की साइड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट है, 3.5mm जैक मिल जाएगा और लाउड स्पीकर है। गाइस अगर बात करते हैं इसके स्पीकर्स की, तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है और मेरे को काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइंग लगा। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन हाँ, जो क्वालिटी आती है साउंड की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर बात करते हैं टॉप साइड की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिम ट्रे जो कि आपको डुअल सिम है, इसका मतलब है कि आपको हाइब्रिड सिम है, आप डेडिकेटेड स्लॉट नहीं लगा सकते, या फिर आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगाओगे, या फिर आपको दो डुअल सिम यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मेरे को थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है क्योंकि आजकल बहुत लोगों के पास डुअल सिम रहता है और कंपनी को ये बात समझनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर इंटरनल में 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिससे आपको जितने भी काम है स्टोरेज वाले वो बहुत ज़्यादा आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेज आ रहे हैं इसमें, जो कि थोड़ी सी अजीब बात लगती है। लेकिन गाइज, ऐसा ग्लॉसी डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो ये वाले चीज़ से आपको निपटारा तो मिलना नामुमकिन है। सो गाइज, टर्न ऑन कर लेते हैं डिवाइस को अपने और बात कर लेंगे इसके इंटरनल्स और बाकी सारे फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे Honor लिखा हुआ आ गया है न्यू लोगों के साथ, नाइस। ओके गाइस, तो टर्न ऑन हो चुका है अपना Honor 20i। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स की। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, इसके डिस्प्ले से आपको 6.21 इंच का आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझको Honor की। और Honor में एक चीज़ है, हल्का सा आपको ब्लू टिंट आता है डिस्प्ले में, जो कि बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन हाँ, मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वाइब्रेंट लग रहा है। और अगर बात करते हैं इसके आपको इंटरनल्स की, तो आपको मैंने पहले बताया था 4+128GB तो आपको देखने को मिलेगा इसमें। और अगर बात करते हैं सिस्टम की, तो एंड्रॉयड का आपको सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉयड 9 Pie मिलता है देखने को। अगर बात करते हैं अपडेट्स की, तो Honor ने और Huawei ने ऐसे क्लेम किया कि आपको सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा, और आपको एंड्रॉयड क्यू का जो बेटा वर्जन है, मतलब बेटा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी Huawei और Honor के काफ़ी सारे डिवाइसेस को इंक्लूड किया है गूगल ने। सो मेरे ख्याल से इसका जो डिस्प्यूट है वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, और आपको जो भी प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और गाइस, ये सब जो डिसीजन है गूगल की, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि जो भी Honor और Huawei फ़ोन के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो इन फ्यूचर आराम से सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के ट्रिपल कैमरा की, जो कि इसके फ़ोन की खासियत है। और 15,000 रुपये में आपको ये पहला ट्रिपल रियर कैमरा वाला फ़ोन है Honor की तरफ से, और बहुत सारे डिवाइसेस में तो मिल ही रहा है। सो गाइस, अगर बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो ट्रिपल रियर कैमरा है, जो मेन कैमरा आपको बीच वाला है 24MP का, उसके बाद आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और आपको 2MP का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पे आपको कोट किया हुआ है AI कैमरा, और आप सभी जानते हो कि Huawei और Honor AI पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो कैमरा को ओपन कर लेते हैं, और थोड़ा सा आपको कैमरा सैंपल्स में इंक्लूड कर दूंगा। वैसे लाइव फोटो एक तो बनती है। सो गाइस, अगर बात करते हैं ये वाली फोटो की, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसकी जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही आई है, मतलब कि जो इंडोर लाइटिंग कंडीशन है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है आपको। वैसे अगर बात करते हैं आपको नेचुरल कलर स्टोन की, तो हल्का सा वाइब्रेंट है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है वो वाइब्रेंसी, फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन में तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करते हैं इसके अल्ट्रा वाइड की, मतलब कि जो वाइड एंगल लेंस कैमरा इसमें है,
सो एक मैं नॉर्मल लेता हूँ यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, पहले एक फ़ोटो नॉर्मल ले लेता हूँ और ले लेता हूँ एक अल्ट्रा वाइड में, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। सो गाइस ये जो सैंपल आप देख रहे हो ये आपको 120 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ आपको कैप्चर किया गया है और ये वाला आपको नॉर्मल है। सो गाइस बात करें नॉर्मल की तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही आई है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील आ रहा है, मतलब कि टोन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया इसने। तो क्वालिटी आपको मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जो आपको फोटो मिला है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा वाइड है। सो वाइड एंगल लेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे ये भी। अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी एक में क्विक लेकर दिखाता हूँ आपको अभी। सो गाइस ये वाला जो आपको सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, और जो क्वालिटी आ रही है मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा सही है। सो गाइस ये वाला सैंपल की बात करूँ मैं तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है, देखिए अगर आप लाइट एक्सपोजर उसने काफ़ी ज़्यादा सही संभाला है और हेयर्स की भी क्वालिटी सही आई है और स्किन टोन थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया इसने जो कि चलता है, मतलब कि लड़कियों को तो मज़ा ही आएगा इसको देख। सो गाइस ओवरऑल जो सेल्फी है सेल्फी कैमरे बहुत अच्छा है। सो गाइस अगर बात करते हैं 15,000 रुपये के हिसाब से इसका जो कैमरा आपको क्वालिटी मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। और मेरे ख्याल से मेरे पास आपको यहाँ पे अभी रियलमी 3 प्रो है उसके साथ आपको हल्का सा कंपैरिजन दिखा देते हैं यहीं पे। आइयो सो गाइस इस हैंड में मेरे पास है रियलमी 3 प्रो और यहाँ पे आपको दोनों काफ़ी जुड़ा भाई टाइप के लगते हैं देखो देखने में। लेकिन बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो आप रियलमी 3 प्रो की जो क्वालिटी आ रही निकल के वो कंपैरेबल नहीं है मेरे ख्याल से। आप देखो कैनन में जो डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टोन हो गया, इसमें जो शेप आई ये भी हल्का सा सॉफ्ट टोन कर दिया इसने और जो रियलमी 3 प्रो का जो सैम्पल क्वालिटी आई है बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। लेकिन आपको अगर बात करते हैं ऑनर 20i की भी तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और थोड़ा सा ज़्यादा आपको गोरा कर देता है, वैसे आपको इसमें जो है नेचुरल और हल्का सा वाइट स्टोन आया है। सो ओवरऑल अगर बात करूँ तो मैं कंपेरेबल तो है लेकिन रियलमी 3 प्रो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं इसके आपको रेयर साइटी कैमरा की। सो गाइस ये वाला जो सैम्पल है आपको रियलमी 3 प्रो से मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला है नॉर्मल मोड पर है। सो कर लेते हैं गाइस कंपैरिजन। सो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट फोटो क्लिक की है ऑनर 20i में और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल है, आप देख रहे हो क्लोज टू नेचुरल है और आप कंपैरिजन देख रहे हो। और जो रेड कलर यहाँ पे आया ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट किया हुआ है और जबकि यहाँ पे आपको नॉर्मल मोड पे फोटो क्लिक की गई है ऑनर 20i की। सो गाइस आप कैमरा का फोटो सैंपल एंजॉय करो और थोड़ी बहुत मैं कंपैरिजन भी डाल दूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं कुछ अलग फीचर्स के बारे में, जैसे कि आपको ऑनर 20i की जो बैटरी है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, 3400 mAh की बैटरी मिलती है लेकिन फिर भी गाइस उसके हिसाब से भी इसमें जो परफॉर्मेंस मिली है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी मुझे। जैसे कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है इसको अगर ऑन करते हैं आप तो बैटरी थोड़ा ज़्यादा खाएगा लेकिन जो परफॉर्मेंस मिलेगी आपको किरिन का 710 के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इसको ऑन करके अगर आप गेम खेलते हो तो आपको मज़े ही आने वाले हैं। सो गाइस पबजी हो गया है ऑन। सो गाइस अगर बात करते हैं सेटिंग्स की तो स्मूथ नहीं यानी बैलेंस पे खेलेंगे और हाई आपको फ्रेम रेट्स हैं। सो इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग इसी फ्रेम रेट्स पे की रेट्स पे खेलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पबजी। सो गाइस अराउंड में 10 मिनट खेलूँगा पबजी यहाँ पे और फिर आपको बताता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस आया है इसका। हल्का फुल्का परफॉर्मेंस में आपको इशू देखने को मिलता है इस फ़ोन में लेकिन बहुत ज़्यादा इशू नहीं है और आपको आराम से गेम प्लेएबल है, बैलेंस ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और मेरे ख्याल से आपको अगर गेमिंग के लिए अगर कोई फ़ोन चाहिए और काफ़ी अच्छा कैमरा हो तो ऑनर 20i आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग ने कैमरा टेस्ट किया काफ़ी अच्छे तरीके से, परफॉर्मेंस टेस्ट किया इसका ऑनर 20i का और गाइस मोबाइल ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन हैंड भी काफ़ी अच्छा फील आता है और जो डिवाइस का जो लुक एंड फील है वो भी बहुत अच्छा है। सो अगर बात करता हूँ मैं लास्ट में वीडियो के कि मोबाइल कैसे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सो मेरे ख्याल से अभी मेरा सजेशन ये रहेगा कि मोबाइल वॉट तो है 15,000 रुपये के प्राइसिंग में लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो का इतना ही था, आई होप कि आपको ऑनर 20i का फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आपको वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करके आप अपना लव जिता सकते हो और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड बाय।